तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू कर देता हूँ। तो इस ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए आप लोगों को एक बिल्डिंग ब्लॉक लेना है। तो यहाँ पर मैं स्टोन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से 13 ब्लॉक यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक लगा लेने हैं। तो यहाँ पर 13 ब्लॉक लगाने के बाद आप लोगों को पिस्टन लेना है और यहाँ पर आप लोगों को एक ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर पिस्टन इस तरीके से लगा लेना है। तो इस तरीके से पिस्टन लगाने के बाद आप लोगों को नीचे उतरना है और यहाँ पर रेडस्टोन आप लोगों को लेना है और यहाँ पर इस तरीके से दो बार रेडस्टोन आप लोगों को लगा लेना है सभी पिस्टन के पीछे। तो एक बार इस तरीके से रेडस्टोन लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से जो बिल्डिंग ब्लॉक आपका है वो यहाँ पर लेना है और इस तरीके से आप लोगों को इस जो रेडस्टोन लगाया था उसके ऊपर इस तरीके से लगा लेना है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने जो ब्लॉक्स है वो लगाने के बाद आप लोगों को नीचे आना है। इस तरीके से ब्लॉक्स लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ट्रैपडोर है वो लेना है और यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से लगा लेना है और इनको इस तरीके से खड़ा कर लेना है। तरीके से लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से कौन सा भी वर्क स्टेशन यहाँ पर लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप लगा रहा हूँ। आप यहाँ पर कार्टोग्राफी टेबल या स्टेशन लगाने के बाद आप लोगों को पीछे आना है और लेवल लेना है और यहाँ पर इनके पीछे लगा लेना है वर्क स्टेशन के पीछे और इनको ऑन कर लेना है इस तरीके से और आपका जो पिस्टन है वो ऊपर आएगा। तो एक बार इस तरीके से करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से बिल्डिंग ब्लॉक लेना है और यहाँ पर आप लोगों को दो ब्लॉक इस तरीके से लगा लेने हैं। अब आप लोगों को ग्लास ब्लॉक लेना है और इस तरीके से इसको कवर कर लेना है। तो अब आप लोगों को इस ग्लास ब्लॉक के ऊपर से और एक यहाँ पर जो बिल्डिंग ब्लॉक आपने यूज़ किया था उसका लेयर लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर भी इस तरीके से जो स्टोन ब्रिक है वो लगा लूँगा। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद अब उनको यहाँ पर विलेजर्स ला के डालने हैं। तो इनको लाकर डालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़े ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक्स लगाकर यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेता हूँ। तो पहले तो आप लोगों को इस तरीके से जो स्टोन ब्रिक्स है वो लगाने हैं, बाद में यहाँ पर आप लोगों को विलेजर ला के डालने हैं। तो इनको लाकर डालने के लिए सबसे आसान तरीका है बोट से आप लोग इसको लाए यहाँ पर, बाद में यहाँ पर जो स्टेयर्स है वो बनाए ब्लॉक से, डर्ट से आप लोग बना सकते हैं। वो बनाने के बाद जो विलेजर है उसकी जो बोट है वो तोड़ना है, बाद में वो बाहर निकाल कर ऐसे वर्क स्टेशन के अंदर ऊपर चढ़ के जाने जाएगा और यहाँ पर नीचे जाकर वो फंस जाएगा। तो एक बार यहाँ पर विलेजर डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इनको बंद कर लेना है। तो अब आप लोग यहाँ पर आगे आकर यहाँ पर एक एक ब्लॉक इस तरीके से यहाँ पर एक एक ब्लॉक इस तरीके से लगा सकते हो ताकि आप लोग यहाँ पर उसे ऊपर चढ़ पाओ। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से अंदर आना है और यहाँ पर आप लोगों को एक जॉम्बी अंदर डालना है। तो इसको डालने का सबसे आसान तरीका है रात होने के बाद आप लोग यहाँ पर आ सकते हो इस तरीके से अंदर जाकर, मतलब यहाँ से बाहर से आप लोगों को जॉम्बी को ऐसे अपने पीछे लेकर आना है और बाद में यहाँ से आप लोगों को अंदर जाना है।
तो एक बार आप लोग अंदर जाने के बाद जो जॉम्बी है वो अंदर आएगा, तो वो अंदर आते ही आप लोगों को ऐसे बाहर जाना है और यहाँ पर जल्दी से जो ब्लॉक्स है वो लगा लेने हैं, जल्दी से जो ब्लॉक्स है वो लगा लेने हैं इस तरीके से, और वो जॉम्बी है वो अंदर आएगा। बाद में आप लोगों को एक ब्लॉक फिर से तोड़ना है और उसको निपटे से नेम लेना है। तो अब मैं यहाँ पर जल्दी से जॉम्बी को स्पॉन करके आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पॉन कर लिया है, आप लोगों को इसको नेम टैग देना है वो, नहीं तो वो डिस्पॉन हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ से पैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो फार्म है वो हो चुका है। अब लोगों को इनको जॉम्बी में कन्वर्ट करने के लिए विलेजर्स को इनको आप लोगों को ऊपर लाना पड़ेगा। तो अब जो जॉम्बी है वो इनको मारेगा, तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर सब्र से काम लेना पड़ेगा। रुको एक मिनट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको जॉम्बी को यहाँ पर उसने कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से सभी जो जॉम्बीज को सभी जो विलेजर्स हैं उनको वो यहाँ पर कन्वर्ट कर लेगा और यहाँ पर जो जॉम्बी है वो मतलब बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्योर करूँगा। तो इसको क्योर करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से मारना है। बाद में आप लोगों को एक गोल्डन एप्पल लेना है और उसको हिला देना है। बाद में तो ऐसी करके आवाज़ आएगा, हील होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा विलेजर है वो यहाँ पर ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डील्स चेक करूँगा क्या क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो पहले 18 वुल के साथ हमें एक एमरल्ड दे रहा था, 12 वुल के साथ दे रहा है और 2 एमरल्ड के एक शेयर दे रहा था, तो अब एक एमरल्ड के एक शेयर दे रहा है। इस तरीके से आप लोग सभी विलेजर को यहाँ पर क्योर करोगे, पहले इनको अफेक्ट करोगे, बाद में क्योर करोगे और बाद में ये आप लोगों को डिस्काउंट देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।